क्यों? जब बात करें नाज़मी बजट के हवाले से, तो यहाँ पर बजट जो है वो पेश किया गया है, तकरीबन इसको फ्रेंडली बजट भी कहा जा रहा है, इलेक्शन बजट भी कहा जा रहा है। 14,600 अरब रुपये का मजमूई तौर पर है, लेकिन ये तकरीबन 50% तक जो है वो खसारे का बजट होगा। 7 पॉइंट की जो शरह से खसारा है जो है बजट का बढ़ेगा। तो इस सिलसिले में ये बड़ी हैरानकुन खबर है कि इतना ज़्यादा जो है वो खसारा होगा बजट का, 50% से ज़ायद तमाम पैसे जो तकरीबन 9,200 अरब रुपया टैक्सेस से आएगा, बिहार इकट्ठा करेगा। बाकी जो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है, इसके अलावा ओवरसीज़ के जो इकट्ठे होंगे या दीगर ज़राए से आएंगे पैसे, तो इसमें निशकारियों के पैसे भी होंगे। तहम एक जो बड़ा जो है बजट हमें फिर भी कर्ज़े लेकर पूरा करना पड़ेगा। ये सारे साल की अगर देखा जाए, पिछले साल का अगर हिसाब लगाया जाए, तो उसमें जो लाइफ स्टॉक का शोबा बुरी तरह से मुतासर हुआ, एग्रीकल्चर का शोबा बुरी तरह से मुतासर हुआ, बरामदात का शोबा भी मुतासर हुआ, और कहीं से कोई किसी भी शोबे से अच्छी खबर नहीं सामने आ सकी। ये भी कहा जाता है कि सैलाब की वजह से $30 मिलियन का जो है नुकसान हुआ, जो कि बहुत बड़ा नुकसान कहा जाता है। तहम इसी चीज़ को अगर आगे बढ़ाते हुए हम जायज़ा लें यहाँ पर मरहला वार इन चीज़ों का कि क्या कुछ जो है यहाँ पर होता रहा है, तो ये एक बड़ा मसला था कि इस बजट को बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम हो सकते थे। तहम पिछले पूरे साल में IMF डील जो है वो नहीं हो सकी। पाकिस्तान के इसमें जो सियासी सूरत हाल है वो भी बेहतर नहीं रहे, सियासी सूरत हाल ख़राब भी होती रही, एहतजाज भी होते रहे। इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनकी जानब से जो इकदाम लिए गए कि जिसकी वजह से यहाँ पर सियासी सूरत हाल काफ़ी ख़राब रही, तो उसकी वजह से जो है वो IMF डील भी नहीं हो पाई। तो हम अभी तो ये बजट पेश हुआ है, इस पर बहस होगी, कुछ चीज़ें तब्दील भी होंगी, शायद उस दौरान जो IMF है उससे भी मंजूरी मिल जाए, बेल आउट पैकेज मिल जाए, तो फिर शायद चीज़ें बेहतर होंगी। अगर ना डील मिली तो इस बजट के बाद जो है वो मिनी बजट भी देना पड़ेंगे। नाजुक इसी हवाले से मज़ीद भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह ने कहा।